हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे समर ग्रोइंग प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। ये प्लांट पोर्चिलका मॉस रोज पर्सलेन कहते हैं इसको। ये प्लांट सकलेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इजी टू ग्रो एंड हार्डी प्लांट है एंड ये समर सीजन में अच्छे से ग्रो करता है एंड काफ़ी फ्लावरिंग करता है। इसमें मेरे पास टू वेराइटीज़ है, तो ये वाला देसी प्लांट है बोले तो इसमें आपको छोटे गुलाब के जैसा फ्लावरिंग करता है एंड पीछे वाला सिंगल पेटल फ्लावरिंग करता है। तो इसको कई नाम से जाना जाता है, 9 o'clock मॉस रोज़, सन रोज़, मेक्सिकन रोज़, टेबल रोज़ एंड ये सकलेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो इसके पत्तियां में काफ़ी मॉइस्चर रिटेन होके रहता है और इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स भी मिल जाएंगे, पिंक, पीच, येल्लो, ऑरेंज, रेड, फूशिया, मेजेंटा, पर्पल, लैवेंडर, ऐसे आपको इसमें काफ़ी सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे एंड ये कौन से भी काइंड ऑफ सॉइल में ग्रो हो जाता है प्लांट। बट इसको आप सैंडी सॉइल प्रिफर कीजिए, सैंडी सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करता है। तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, तो आप इसको जब भी रिपोर्ट करोगे या कटिंग से लगाओगे तो आप वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सर बनाइए। तो आप 30% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट एंड 40% रिवर्स सैंड लेकर ऐसे मिक्सर में आप इन प्लांट्स को लगा सकते हो। और इन प्लांट्स को फुल सनलाइट पसंद है, तो जितना आप सन में रखोगे उतना ज़्यादा ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा एंड ये हाई हीट भी टॉलरेट कर लेता है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी हो ये प्लांट्स अच्छे से चल जाते हैं एंड ये प्लांट्स इजीली भी स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे प्लांट जब आप लगाओगे ज़मीन पे तो ये हॉरिजेंटली स्प्रेड होते जाएंगे और वर्टिकली 4-5 inches ग्रो हो जाते हैं। जब भी ये 4-5 inches ग्रो होने लगेंगे उसके बाद आप इसको प्रूनिंग करके उसके कटिंग्स आप लगा सकते हो, उससे आप नए प्लांट्स भी बना सकते हो या आप उसी पॉट में बुशी लुक के लिए आप उसी पॉट में भी लगा सकते हो। एंड दूसरी चीज़ है कि इन प्लांट्स को ज़्यादा वाटरिंग मत कीजिए, मिट्टी सौगी मत बनाइए, क्योंकि इसके रूट्स बहुत शैलो रहते हैं एंड ऑलरेडी सकलेंट कैटेगरी का है तो इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर रिटेन होके रहता है। तो आप इसको वाटरिंग फर्स्ट टाइम अच्छे से दे दीजिए एंड दोबारा आपको जब भी वाटरिंग करना है तब इसकी ऊपर का सॉइल जो है सूख जाएगा, उसी टाइम पर आप इसको वाटरिंग करना है। तो आप लाइट वाटरिंग करते रहिए, तो मैं इसको हफ्ते में 2-3 बार वाटरिंग करती हूँ, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है एंड इसके फ्लावर्स अच्छे ब्लूम भी होते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगते हैं एंड ये लैंडस्केप में अच्छे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये प्लांट्स को आप पॉट्स में लगा सकते हो, ज़मीन पे लगा सकते हो एंड हैंगिंग बास्केट्स में भी आप लगा सकते हो एंड बॉटल DIY प्लांटर्स बनाकर भी आप उसको इसमें लगा सकते हो। तो ये प्लांट्स इजीली कटिंग्स एंड सीड से प्रोपेगेट हो जाते हैं और समर में अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग करता है एंड विंटर शुरू होने तक ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है प्लांट। तो इसका फर्टिलाइज़र भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है, इसको जब भी आप सॉइल मिक्सर बनाओगे उस टाइम पे कॉम्पोस्ट डाल दीजिए एंड 15 डेज में एक बार आप थोड़ा सा इसको NPK फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हो। अभी मैंने इसके कटिंग्स ले लिया है, तो अभी मैं इसको ये छोटे पॉट्स में लगा दूँगी एंड इसके रूट्स बहुत शैलो रहते तो ज़्यादा डीप पॉट्स ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले बार इसको कटिंग्स किया था तो इसमें साइड में से नए ब्रांचेस आ गए, जो अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग पॉट्स है वो भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। तो अभी मैं इसको वाटर अच्छे से डाल दूँगी, थोड़ा मिट्टी गीला कर दूँगी ताकि कटिंग्स आसानी से इसमें लग सके। तो आप छोटे कटिंग्स लेकर भी लगा सकते हो, अच्छे से चल जाते हैं। जब भी आप कटिंग्स मिट्टी में लगाओगे, आप जो नीचे मिट्टी में जो अपने को कटिंग जाता है वो आप 1 inch से ज़्यादा अंदर डीप मत लगाइए, क्योंकि ज़्यादा आप अंदर डीप लगाने से कटिंग गलने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा हल्का समय 1 inch मिट्टी में उसको लगा के अच्छे से मिट्टी को दबा रही हूँ।
तो आप ऐसा कटिंग्स लगा लीजिए, तो अभी ये अच्छे से ग्रो होकर आपको जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ने लगेंगे ज़्यादा ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसको ज़्यादा बढ़ने भी मत दीजिए, जैसे ये 5-6 इंच का हो जाता है तब कटिंग्स प्रून करके आप नए नए पौधे बना लीजिए। तो मैं अभी इसमें सभी कटिंग्स लगा रही हूँ। और ये सिंगल पेटल कटिंग्स है, दूसरा जो है उसमें देसी वेराइटी है तो वो टेबल रोज़ है, तो उसके भी कटिंग्स में एक दूसरे पॉट में लगा दूंगी। कटिंग्स लगाने के बाद मिट्टी को थोड़ा अच्छे से प्रेस कर दीजिए, प्रेस करके हल्का सा इसको वाटरिंग दे दीजिए। तो ये प्लांट को आप जितना नेगलेक्ट करोगे उतना अच्छे से ग्रो हो जाएगा। आप इसको पानी कम दीजिए, जितना पानी कम है तो उतने ज़्यादा इसमें कलियाँ आएंगे। और मैंने सभी कटिंग्स लगा लिया है और मैं अभी इसमें वाटरिंग कर रही हूँ। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, होप आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।